अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक। बस काफ़ी दिनों से कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए आपको पता है कुछ बच्चों के स्कूल की टाइमिंग और इस तरह बिजी टाइम गुजरता रहा। तो ये मेरी सिस्टर का अमेरिका से वो पार्सल करवाती रहती है कपड़ों के, कुछ पाकिस्तान से जो शॉपिंग करती है तो उसका आया हुआ था पार्सल। तो उफसा कह रही थी मैंने ओपन करना है, तो अफसा ने ओपन किया। बस आज इसके एक पार्सल आ गया, अभी आना था तो है, अभी तक तो वो नहीं आया। तो इसके बाद अफसा ने इसको ओपन किया और रियो खेल रहा था, अपने बेड के नीचे छुपा हुआ था और कह रहा था कि मेरे साथ खेलें, हम इसे ढूंढ रहे थे। तो इसने मैं आवाज़ दी कि मैं नीचे हूँ। बस बच्चों को स्कूल लेने का टाइम हो गया, स्कूल लेने जाती हूँ और बड़ी बेटी कॉलेज जाना स्टार्ट हो गई है, कुछ इस वजह से काफ़ी मसरूफियात हो रही थी तो कोई कंटेंट भी नहीं मिल रहा था कि किस चीज़ के लिए व्लॉग करूं। और बस ऐसे ही आपको पता है डेली रूटीन में हाउसवाइफ क्या कुकिंग कर लिया और नमाज़ पढ़ी और स्कूल बच्चों को लेने चले गए। है ज़िंदगी में ऐसे कभी किसी टाइम कोई मिल जाता है ऐसा कि कोई बंदा बना लेता है किसी टाइम नहीं। आजकल वैसे रोड्स पे भी इतना रश नहीं है, इजीली बच्चों को लेने चली जाती हूँ और सुकून से आ जाता है। किसी टाइम बहुत होते हैं। फिर शाम को इन्होंने चावल मंगवाए हुए थे तो बिरयानी बाज़ार से ही, मैंने कभी मंगवाई नहीं है, चावल तब ख़त्म हुए हुए थे परसों हमारे घर, तो इन्होंने मंगाई बिरयानी हो रही हो, कह रहा था मैंने अपनी प्लेट में ही खाना है, बड़ी बेटी के साथ बहुत अटैच है। फिर उसकी प्लेट में ये बिरयानी खाने लग गया और हफ्सा कह रही थी मुझे आलू टमाटर बना दें। हाँ आपको पता है हफ्सा को तो फेवरेट है, और हंसा को काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था मैंने बनानी है कोल्ड कॉफ़ी, तो इसने दूध का एक छोटा पैकेट फ्रीज़ किया हुआ था, वो आइस से बड़ा हुआ था, तो साथ इसने ये एक साशा मंगाया कॉफ़ी का और कॉफ़ी बनाई, साथ में इसमें डाल दी ये साशा कॉफ़ी का और साथ में क्या उसका नाम है, इसमें थोड़ा सा क्रीम डाली और वनीला एसेंट डाला और साथ थोड़ी सी शुगर डाली और इसको ना ग्राइंड करके, तो इसने ना कॉफ़ी बना ली। काफ़ी दिनों से कह रही थी मैंने कहा नहीं बनानी, तो हैड इसका दिल किया बहुत ज़्यादा कि मेरा ना आज बहुत दिल किया कर रहा है, मैंने कहा चलो फिर खुद ही बनाओ, इसको आती थी तो इसने इजीली फिर बना ली और बड़े शौक से फिर दोनों बहनों ने पी भी। ऐसे छोटे छोटे काम आपको पता है बच्चे करते रहते हैं, काफ़ी दिनों से ज़रा मेरी भी कुछ तबीयत किसी टाइम हो जाती है ऐसे और ऐसे सर में चक्कर आने लग जाते हैं, बाहर की इतनी दौड़ें होती हैं और इस तरह, तो तबीयत आज भी मेरा ब्लड प्रेशर इतना लो था और समझ नहीं लगती किस वजह से होता है। तो मौसम भी चेंज हो गया, कोई खास गर्मी भी नहीं है कि गर्मी से कहे बंदा बाहर धूप लग रही है या कुछ ऐसा मसला है, ये छोटी सी प्रॉब्लम आती रहती हैं ज़िंदगी में। और बस बच्चों के अल्लाह ताला फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे सबको और इनके नसीब अच्छे करे। है इसने कॉफ़ी बना ली हुई थी, खुद ही अपने काम लगी हुई थी कि आज मैंने बनानी है। फिर इसने एक और चीज़ बनाई थी बर्गर, हाँ वो भी इसकी मैंने बनाते हुए इसने नहीं बनाई, लेकिन इसने ना बर्गर भी बनाया था और वो भी बहुत अच्छा इसने खुद ही से बनाया। चपली कबाब जो मैं स्कूल इसको भेजती हूँ, तो हम गए हुए थे मैकडोनल्ड, तो उधर से वो बंद बच गया हुआ था एक, तो इसने ना हफ्सा ने रास्ते में खा रही थी तो इसने छोड़ दिया नहीं खाया, तो इसने आके ना फिर घर में बना लिया उसका ना चपली कबाब के साथ बीच में लगा के, तो कॉफ़ी बहुत मज़े की बनी हुई थी, इसने मुझे भी टेस्ट करवाई है, मैं तो नहीं पीती इतने शौक़ से, तो इन दोनों ने पी तो इनको बहुत अच्छा लगा। बड़ी बेटियों को जब पता लगा कि हंसा ने अपने लिए बनाई है, लेकिन मैंने कहा आप अपने लिए बनाइए आप पियो जो, और ये बस आराम तलब हैं कि कहती हैं कि हमें फ़ौरन रेडीमेड चीज़ें मिल जाएं खाने को और हम खा लें और अपने काम हो दी है। संडे वाले दिन का भी व्लॉग कुछ बीच में है, ये खाना वगैरह खा रहे थे जब बनाया हुआ था बाबा के साथ अपने, फिर शाम को इनके बाबा हमें ले गए KFC और KFC में फिर हमने क्या उसका नाम है बर्गर वगैरह लिए, जो बच्चों के दिल कर रहा था इन्होंने वो चीज़ें ली। हंसा का मूड काफ़ी ऑफ था रास्ते में, शायद बहनों से लड़ाई चिढ़ाती हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, कि यकीन करें मेरे बच्चों ने बचपन में मुझे कभी तंग नहीं किया कि जितना इन्होंने मुझे अब तंग किया हुआ है। एक को पकड़ती हूँ दूसरी की शिकायत, दूसरी को पकड़ती हूँ तीसरी की, वो ऐसे होता है कि मैं ना स्कूल में पढ़ाने ही बैठी हुई हूँ इनको। तो हफ्सा तो मज़े से इंजॉय कर रही थी, सारी बच्चे वो भी कर रहे थे, लेकिन हंसा को बहुत चिढ़ाया हुआ था इन्होंने जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा मूड ऑफ रहा, तो है मैं इसको हौसला देती रही, फिर मुझे भी इस पर गुस्सा आ गया, मैं क्या बैठी रहूँ
फिर इसके बाद हम रास्ते में आइसक्रीम का मूड बन रहा था, ये हफ्सा ने बनाया हुआ था, हंसा ने बनाया था घर में बर्गर उदी और लगी हुई थी, मैंने कहा बनाना है तो खुद ही खाओ आज। फिर मैंने बनाए हुए थे वाइट चने वाले ये चावल और बड़े मज़े के बने हुए थे। मेरा दिल कर रहा था मैं बनाऊं, तो मुझे अपने अब्बू की याद आ गई, मेरे अब्बू को ये चावल बहुत पसंद थे तो अब्बू बड़े शौक से खाते होते थे, तो फिर मैंने बनाए और मुझे अपने अब्बू की बहुत याद आई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कल तक के व्लॉग के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।